मोबाइल नंबर देना का। अरे मामला क्या है मास्टर साहब, आप पर आरोप लगा रही है कि लड़की, उसका इल्ज़ाम है, वो इल्ज़ाम लगा रही है हेड सर के आदेश पर ही एडमिशन लेना था, हमने एडमिशन लिया, उसका रिपोर्ट नहीं किया जिसके वजह से उसका पंजीयन नहीं हुआ, रिपोर्ट जाता था उसका उसका पंजीयन श्योर होता। नहीं आप एडमिशन लेने के लिए ऑथोराइज हैं, हेड सर के आदेश पे हम एडमिशन, आप क्लास टीचर हैं? जी क्लास टीचर है। तो आपको एडमिशन लेने का है अधिकार या रसीद काटने का या कुछ? नहीं रसीद काटने का अधिकार नहीं है, हम क्लास टीचर हैं, अगर री एडमिशन का आदेश एप्लीकेशन पे हेड सर करते हैं तो हम री एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा आप उस लड़की को अपना मोबाइल नंबर क्यों दिए? मोबाइल नंबर हम नहीं दिए हैं, मोबाइल नंबर हमने आप नहीं दिए मोबाइल नंबर। लड़की जो आरोप लगा रही है उसको अपना मोबाइल नंबर दिए और जब वो आपको फ़ोन किए तो आप उसको अभद्र बात किए? नहीं नहीं इस तरह गलत बात है जी, इस तरह गलत बात है, इल्ज़ाम है फंसाने का साजिश है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिलशाद आलम। कहाँ घर हुआ आपका? मोबाइल मार के निकाल देना, मोबाइल देने तो तू क्या? अरे बेटी बाटी ना घर में, तू क्या बोला? कहाँ है दीदी? इधर आ जा, जूता खोल के मारो मादर चोर। मैडम के पास है इसका मोबाइल जो है ना। अरे और कहीं और लोगों के पास तो होना चाहिए, सब लोगों के पास होना चाहिए। एक लड़की आरोप लगा रही है शिक्षक पे, ये शिक्षक क्या किए हैं वो तो विद्यार्थी ही बताएगा बढ़िया से, लेकिन विद्यार्थी 9 क्लास से 10 क्लास में पिछले साल थी और इस साल उसका एडमिशन था, इसीलिए उसका पंजीयन नहीं हुआ हम जो जानते हैं। लेकिन जो जिन शिक्षक पे आरोप है वो बता रहे हैं कि आपके आदेश से वो री एडमिशन लिए, ऐसा कोई आदेश मेरा नहीं है। आपका कोई आदेश, कोई आदेश नहीं? अच्छा वो लड़की बता रही है आपकी छात्रा विद्यालय की कि उसको शिक्षक अपना मोबाइल नंबर दिए, तो वो तो जानेगी छात्रा जानेगी। अच्छा, मुझे पता नहीं तो एडमिशन के बारे में आपको जानकारी नहीं है? बोल तो क्या मामला है? विद्यालय गए थे ना, अभी अगले साल परीक्षा नहीं दिया थे, घर में कोई प्रॉब्लम चला रहा था इसलिए नहीं दिए थे, और इस बार गए ना स्कूल से उधर सर बोले बोले क्या कि तुम्हारा ना एडमिशन नहीं हो पाएगा, तो दिलशाद सर बोले क्या कि हम कर देंगे तुम्हारा एडमिशन, तुम हमको 500 रुपया दो। हम सर को 500 रुपया भी दे दिए तो सर बोला कि लोन नंबर हम तुमको फ़ोन करेंगे, तब तुम बना हम बोलेंगे क्या कि तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा तो हम बोल देंगे कॉल कर, तो हम इधर से कॉल किए ना दिलशाद सर को, सर बोला क्या हम बिजी हैं थोड़ा देर के बात करना, तो सर दिलशाद सर इधर से कॉल किए बोले सर बोले क्या कि हम तुम्हारा एडमिशन कर दिए और तुम बदले में क्या देंगे, बोले सर आप पैसा दे देंगे क्या बोला? वही है दिलशाद सर। अच्छा कौन सा स्कूल का मामला है? दुजदनी। तुम्हारा नाम? पिंकी कुमारी। घर? पटेल चौक महिला कॉलेज के पास।